हेलो दोस्तों, आज है 31 मई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर है, देखिए इसमें कोई ऑप्शन निहित नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वह है मनसुख मंडाविया। देखिए, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत की उपस्थिति में पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट का उद्घाटन किया है। उन्होंने घोषणा की है कि पुराने गोवा और पंचिम को जल्द ही फेरी और क्रूज सेवाओं से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी जारी की है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। यह राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1075 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और 1098 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और 08046110007 मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्न हांस के हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, मध्य प्रदेश। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 5117 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में आवंटित किए हैं। साथ ही राज्य को 1185 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी की है। अगला क्वेश्चन, भारत के रक्षा सचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एनसीसी कैडेटों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर बी, अजय कुमार। देखिए, भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने हाल ही में नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एनसीसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कितने देशों के सैनिकों को डैन हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, 44 देशों को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 44 देशों के 124 शांत सैनिकों को डेग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। इन सैनिकों ने पिछले वर्ष यूएन के शांति अभियानों में सेवा देते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, केरल हाई कोर्ट। देखिए, केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में केरल में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 6 साल पुराने फैसलों को पलट दिया, जबकि बाकी बची 20% स्कॉलरशिप ईसाइयों को दी जा रही थी। अगला क्वेश्चन, 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर ए, विश्व तंबाकू दिवस। देखिए, 31 मई को विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को तंबाकू से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सेक्स गुंडई शहर में 6 बलि गड्ढे के खोजे गए हैं? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर बी, चाइना। देखिए, चीन के सेक्स गुंडई शहर में पुरातत्वविदों ने हाल ही में 6 बलि के गड्ढे खोजे हैं। खोजे गए गड्ढों में सोने और कांसे के मुखौटे सहित लगभग 500 कलाकृतियां हैं। खोजी गई कलाकृतियां लगभग 3000 साल पुरानी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।